बिल्कुल फ्रांसीसी ढंग से। खैमे पुराने ना होते तो बिल्कुल फ्रांसीसी छावनी लगती। सिपाही भी तरबियत याफ्ता है, राख से शिवलिंग बना लिया। हार बहुत कुछ सिखा देती है काका साहब, लड़ना भी और जीतना भी। आइए मैं आपको अपना अस्तबल दिखाता हूं। चलो ला बेटा ला, नहीं आला चार। हाँ ले बेटा, शाबाश शाबाश। ले खा बेटा। अरे शाबाश, चल चल चल। हाँ और ये है हमारा अस्तबल। सलाम महाराज। कैसे हो राने खान? अल्लाह का करम है महाराज। काका साहब ये राने खान है। नमस्कार। ये सब इन्हीं का कमाल है, जानवरों को आदमियों से ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं। कितने जानवर मारे गए थे पानीपत में, आधे भूख से आधे बीमारी से। अब ऐसा नहीं होगा। वो क्या है? आइए। ये देखिए ये जंबर्क तोपे हैं। ये कहां से हाथ लगी? आपके मालवे के पठान जो पानीपत की लड़ाई में गए थे, अब्दाली की दो तोपें ले आए, उन्हें देखकर अपने कारीगरों से बनवाई है। इनका तोपखाना बनवाओगे? जी, लड़ाई छिड़ने के बाद बड़ी तोपें बेकार, हल्की तोपें चाहिए ताकि अंदर तक जाकर दुश्मन पर गोलाबारी की जा सके। ले जाने के लिए ऊंट चाहिए? जी हाँ, अभी तो कम है लेकिन। कोई बात नहीं, चढ़ाई पे जाएंगे और ऊंट लेकर जाएंगे। आइए। बैठिए काका साहब। जाओ। कितने सिपाही हैं कुल? सब मिलाकर कोई 2000। मुहिम के लिए कम नहीं होंगे मेरे सिपाही मिलाकर भी? जो अब्दाली ने किया वही करेंगे। रास्तों पर नाकाबंदी करेंगे, घेरे डालकर बैठेंगे, रसद और कुमक बंद करेंगे, और घुड़सवार ज्यादा रखेंगे जो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक मदद पहुंचा सके। इतने मोर्चों पर खुद आगे कैसे रहोगे? वो गलती नहीं करूंगा काका, वो गलती नहीं करूंगा। विश्वास राव जी और सदाशिव राव भाव के गिरते ही सारा का सारा लश्कर भाग खड़ा हुआ था। मैं पीछे रहूंगा, मैंने छोटे कमांडर तैयार कर लिए हैं। बहुत कुछ सीख लिया तुमने। आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है काका। महाज बेटा, जिस तेजी से अंग्रेज और फ्रांसीसी आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने आप को बदलना होगा।